दोस्तों मैं खेती जा रहा हूँ, खेती करने जा रहा हूँ। ये है खेती करने का रास्ता, जहाँ मैं खेती उसका रास्ता है। अच्छा से देखिए ये है, और पीछे में मेरा बैग बहन है लड़का जैसा। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और दोस्तों ये है तमीज, जहाँ से हम लोग का लेकिन अपुंग बनता है। नहीं बनने से पहले उगते समय ये इस तरह का दिखाई देता है, थोड़ा एक दिखा दिखाई इस तरह का दिखाई देता है। ये बात में अच्छा से पकने का बाद उसको सुखाया जाएगा, सुखाने का बाद पोलिंग बनाएगा, जो लोकल हम लोग अपुंग पीता है पोलिंग बोल के इसी में। ये उस चीज़ का निशान है जहाँ से बनता है। एकदम अच्छा से देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा है, हम लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। तो फाइनली हम लोग मेरा जहाँ मैं खेती पहुँचना था वहाँ पहुँच गया है। दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ अपना खेती पहुँचने का, बहुत खुश हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सब दान है, ये लोकल वाला दान है, अपने इसी दान है। ये जो यहाँ में कट के यही देख रहे हैं ना, बहुत लोकल वाला दान है उसको। और ये खेती जो है एक अच्छी, और बाबी का है, और बाबी जो ये कुछ कर रहा है, जार रहा है चावल को, जार रहा है पूरा कट के, और अच्छा से वो करने का बाद निकलने का बाद पूरा कट रहा है। और पूरा ये खेती जो दिखाई दे रहा है ये सब जो है ये अच्छी और बाबी का है। वाह वाह वाह, क्या खेती है, खेती है। ये देखो बहुत मज़ा आ गया खेती जा आके। अभी हम भी थोड़ा मोरा काम करेगा, इसको देख के सीख लेते हैं कैसे करते हैं, आप देखिए जरूर। हाँ ये चावल को जर रहा है, और ऐसे जरते समय जो है जो ये पीस का अंदर में जो सीट नहीं है वो जो हल्का होके निकल जाएगा, हवा जो उसको लेके चला जाएगा, इसलिए ऐसे सफा करना बहुत जरूरी है। तो हम बचपन में बस्ती में बैठे होकर ऐसे जानना भी आता है किस तरह से चावल को जरता है। देख लीजिए आप लोग ना, एक तो मजा आ गया। वाह, यो एक्चुअली ये चावल जब ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा कम करने से ठीक था। ठीक है, तभी भी हमार नहीं मानेगा, खत्म करके ही तोड़ेगा। हाँ बहुत गर्म रे, हो गया होगा अब जितना। और अभी रेस करने चले, बहुत काम कर ले आज ना, आज बहुत ज़्यादा काम कर ले इसलिए रेस करने चले, और बाबी लोग को करने दे आराम से। तो ये रहा, ये यहाँ चाकू कुकरी, और ये रहा दान। अभी इसको ऐसे काटने जा रहा है, इसको ना सुंदर से काटने के लिए इस तरह से काटना पड़ता है। ये देखो ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं। तो ऐसे काटने के बाद में अपने ये में डालने जा रहा है, इतना सुंदर से डाल दिया, बहुत ही बढ़िया इस तरह से डालने से बहुत। और कभी कभी कैपिटल में बैठ बैठ के भी बोरिंग, तो इसलिए अपना बस्ती में जाके आके इस तरह के काम भी कर लेना चाहिए। ये लोग एकदम मजा आ गया, थोड़ा दिखा देता है ये ले। वाह 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 वाह, देखो। और ये काम जो है सिर्फ लड़की का है, लड़की को ही करना है, बल्कि ऐसे बात नहीं होता है, लड़का भी कर सकता है, बुद्धा बुद्धि भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ये सब के लिए है, ये सिर्फ लड़की का काम नहीं, इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं। और ये डाल ये ले, बढ़िया बढ़िया। और ये रहा ये तो थोड़ा चौथा हो गया, क्योंकि हम बड़ा वाला बुक नहीं सक रहे, इसलिए हम चौथा वाला थोड़ा बुक के काम कर रहे हैं। तो धूप भी बहुत है, गर्म भी बहुत है, काम तो करना पड़ेगा इस तरह से। तो इस तरह से पकड़ते हैं हाथ में ऐसे काट करने का बाद, और आराम से धीरे से यहाँ में मैं डालने जा रहा हूँ बस। तो आप सबको देखा है कि मैंने किस तरह से इसको काम किया, और आपको असल एक अभी ये दान कट रहा है, बहुत मोरों में है ये बस्ती का इंसान लोग, ऐसे काम करके इतना बुद्धि होने का बात भी काम कर रहा है, घर में नहीं बैठ के। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दोस्तों चावल को काटने का बात ये बुंदा का अंदर करके ऐसे मारना पड़ता है, ताकि चावल का जो एक पीस जो अच्छा से निकले, इस तरह से करना पड़ता है, नहीं तो चावल जो है नहीं निकलेगा, तो सीट से
तो नहीं निकलेगा, तो इस तरह से निकल जाएगा। और ये बहुत तकलीफ वाला कदम है, इसको आराम से नहीं देखना। हाँ दोस्तों, बहुत डंटी से मारने का बात अभी ये हो गया है, इसको अभी हम कॉलने जा रहा है, कितना अच्छा से मारे अभी देखते हैं। और भाई ये कॉलने जा रहा है, ये रहा, ये ले ये ले ये ले। एक्चुअली ये जो मारने वाला जो है पूरा ग्रीन ग्रीन है, अच्छा से नहीं पका है, नहीं पकने वाला को हम लोग कट के मतलब नॉर्मली खाने के लिए लिया है। ये जो है जो पक चुका वाला बहुत ज़्यादा है, उसको बाद में कटेगा, लेकिन अभी ये नहीं पकने वाला को नॉर्मल हम लोग खाने के लिए, कुछ इसको सफा करके खाने के लिए, चाय का साथ, पेप्सी का साथ, एकदम बढ़िया से खाने के लिए अभी ये हम जो है बनाया है। अभी इसको बाद में थोड़ा सुखेगा, धूप में सुखाने का बाद इसको घर लेके जाएगा, घर में सफा करेगा, सफा करके इसको एकदम बढ़िया से एक लाल चाय नींबू चाय का साथ पिएगा। और इस तरह से अभी इसे सफा कर लेते हैं। हाँ, लगता है अच्छा से नहीं मारे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी इसको धूप में थोड़ा सुखाएगा, ऐसे रख के सुखाएगा। हो गया, हो गया। और दोस्तों ये है बस्ती का घर, देख सकते हैं। ये बस्ती में हमने इस तरह का एक घर बना के, छोटा सा घर बना के रेस्ट करने के लिए बनाया जाता है। जब भी आप खेती करते समय जब खाना खाने का जगह नहीं होता है, तो इसे छोटा सा घर बना के यहाँ में खाना खाता है, यहाँ में खाना बना के सब लोग मिलकर खाता है। और मैं रिक्वेस्ट करता है कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है कि आप लोग को भी इस तरह से काम करें। तुम लोग क्या कब तक कैपिटल में बैठते रहेगा, काम नहीं हो के तक कैपिटल में बैठ के सोफा में आराम से लेट के एसी में बैठ के बैठने से अच्छा नहीं होगा, हेल्थ भी खराब होगा। कभी कभी अपना बस्ती में आके इस तरह का काम कर लेके अपना बदन को फिट पत रहने देना चाहिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, ये मेरा दिल से रिक्वेस्ट है। हाँ, मैं बहुत मेहनती लड़का हूँ।